Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. So Fundamentals of Agriculture Volume 1 का जो सीरीज था इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और ये चैप्टर 10 है आपका फेवरेट प्रॉब्लम्स, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं बिना वक्त कमाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा ब्रीफिंग बताता हूँ आपको वीट साइंस के बारे में, मतलब इनके जनक कौन है। तो बेसिकली देखिए ये जो वर्ड वीट लाया था ये कौन लाया था, ये ग्रेट पर्सनैलिटी थे आपके जेथ्रोटल। कौन थे? जेथ्रोटल, ठीक है। इन्हीं की तरह देखिए नाम लगता भी है, ठीक है, वीड की तरह नाम इनका भी है जेथ्रोटल, और यही इनको लेके आए भी थे, ठीक। इनका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण इनका किया था जेथ्रोटल ने, ठीक है। अब जेथ्रोटल साहब होते तो यहाँ भी कहते कि तुम मेरा नाम जो है वीड के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है, बुरा मान जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें, मजबूरी है, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जेथ्रोटल देखिए, अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जेथ्रोटल ने कहा कि भैया आप वीट तो मैंने नाम दे दिया, ठीक है, वीट तो चलिए नाम हो गया आपका, या आपने कह दिया कि वीट है, लेकिन लेकिन आप वीट को डिफाइन कैसे करोगे, यानी कि आप कैसे कहोगे कि वीट क्या होता है। देखिए सबसे पहला आपके माइंड में आना चाहिए जो टर्म है वो है अनडिजायरेबल। क्या टर्म है? अनडिजायरेबल, यानी कि अनडिजायरेबल वर्ड अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपने वीट को डिफाइन कर लिया, समझिए पूरा आपने डिफाइन कर लिया। देखिए जैसे किसी भी पर्सन की डिजायर नहीं होती है हम उसे बोलते हैं अनडिजायरेबल, यानी कि जिसकी कोई इच्छा ना करता हो उसे हम बोलेंगे अनडिजायर्ड, ठीक है। ऐसी वीट भी क्या है, इसकी भी कोई इच्छा नहीं करता कि हमारे क्रॉप मेन क्रॉप फील्ड पे हो, ठीक है, यानी कि क्रॉप फील्ड पे अगर अनडिजायरेबल कोई चीज है तो वो है वीट। क्या है? वीट, यानी कि इसकी कोई इच्छा नहीं करता कि ये मेन क्रॉप पे हो, कोई चाहेगा कि जो है बुरे लोग उसके घर के आसपास हो, या उसके जो जहाँ पे रहता हो सोसाइटी में कोई बुरा लोग रहता हो, कोई जो न्यूसेंस क्रिएट करता हो, ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा। ऐसे जो है प्लांट क्या है, वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई अनडिजायरेबल लोग यहाँ पर आके रहें, जैसे कि वीट जो खरपतवार है ये आके हमारी फील्ड में आए और हमें जो है हमारी ग्रोथ को अल्टर करें, यानी कि उसको डिस्टर्ब करें, तो उसी चीज़ को आप बोलते हो वीड। क्या बोलते हो? अनडिजायरेबल प्लांट को क्या बोलते हो आप? वीड बोलते हो, यानी कि जिससे कोई इच्छा ना करता हो, ये ऐसे प्लांट्स जो फार्मर्स बिल्कुल लाइक नहीं करते कि उनके क्रॉप फील्ड पे हो, उन्हें आप अनडिजायरेबल प्लांट बोलोगे, यानी कि वीड बोलोगे, ठीक। देखिए होता क्या है, ये जो वीड है ये कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं। अब देखिए जो आपके सोसाइटी में भी कुछ लोग रहते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं आस पड़ोस में, या न्यूसेंस मतलब कि थोड़ा कुछ ना कुछ जो है खुरापात करते रहते हैं आपके। देखिए जो वीड होते हैं ये, देखिए हालांकि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्या है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने आप को दिखाते हैं कि हमारी वैल्यू है, ये अपनी वैल्यू को जनाने की कोशिश करते हैं कि भैया हम भी कुछ हैं, लेकिन बेसिकली है होते कुछ नहीं है, ना है ना होते हैं कुछ, ठीक। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, वही वीड है, मतलब दिखावा कहने का मतलब होता कुछ नहीं लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करते हैं मेन क्रॉप फील्ड से। यानी कि अगर देखिए दो लोग अगर आस पड़ोस में रह रहे हैं, एक के पास अगर मान लीजिए जो थोड़ा सा वेल सेटल्ड है, एक थोड़ा सा वेल सेटल्ड कम है, ठीक है, लेकिन अगर देखिए एक व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो जीवन में सबसे ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन वीड क्या है, ये खुद से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इसको जो है अनडिजायरेबल प्लांट बोला जाता है। इसकी कोई डिजायर्स नहीं है, इसकी डिजायर्स ये है कि हम कैसे अगले को परेशान करें, कैसे अगले की लाइफ साइकिल को, कैसे अगले की ग्रोथ को खराब कर दें। अपने तो खराब कर ही रहे हैं, हमें तो कोई चाहते ही नहीं, लेकिन इसकी भी खराब करते हैं, वो काम है वीड का। वही सेम चीज़ जो ह्यूमन लाइफ से है रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वही सेम आपके प्लांट में भी इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो मेन क्रॉप फील्ड को भी ये क्या करता है, हैम्पर करता है आपकी ग्रोथ को। अच्छा ये कंपटीशन किस तरीके से क्रिएट करता है? अब ये कंपटीशन इस तरीके से क्रिएट करता है कि न्यूट्रिएंट्स ले लेता है मेन क्रॉप फील्ड के जो न्यूट्रिएंट्स है उसके न्यूट्रिएंट्स को हैम्पर करेगा, वाटर ले लेगा उसका, लाइट ले लेगा, प्लेस ले लेगा उसकी ऑक्यूपाई कर लेगा, CO2 ले लेगा उसका, ठीक है। तो उस फील्ड में क्या करेगा, कंपटीशन क्रिएट कर देगा उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में। ऐसे ही जो कुछ लोग होते हैं जिनकी खुरापात करने की आदत होती है समाज में, वो क्या करते हैं, उनकी कोई वैल्यू है नहीं, ना वो कहीं पर स्टैंड करते हैं, लेकिन जो मेन पर्सन होता है उसकी नज़रों के सामने आकर ऐसा कुछ अपने आप को दिखाएंगे या फिर कुछ नहीं होगा तो अगले की बुराई ही करेंगे, जैसे कि अगले का जो है माइंडसेट थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो वही काम वीड का होता है, ये भी क्या करता है, इसकी ग्रोथ को हैम्पर करता है। फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो उपज है वो कम हो जाती है, मेन क्रॉप की जो उपज है वो कम हो जाती है, ग्रोथ आपको कम मिलती है, इसलिए जो है
वीट को हमें थोड़ा सा मेन क्रॉप फील्ड से बाहर रखने की ही कोशिश करनी चाहिए। और इसके जो कई सारे मेजर्स हैं, कई तरीके हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पर बेसिकली हम लोग वीट के बारे में ही पढ़ेंगे इस स्लाइड में और इस सेशन में, और फिर टाइप्स ऑफ वीट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं कई सारी चीज़ें आपको वीट के बारे में बताऊंगा, निश्चिंत रहें आप। देखिए, क्राइटेरिया टू बी वीट, यानी कि अगर आपको वीट बनना है, सॉरी आपको नहीं, अगर कोई प्लांट को आपको वीट कहना है तो आप उसे कैसे कहोगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे आप, हैबिट ऑफ प्लांट देखोगे आप, यानी कि उसकी आदतें क्या हैं, उसके लक्षण क्या है। यदि कोई व्यक्ति को भी अगर आप देखना चाहोगे वो कैसा व्यक्ति, अच्छा है या बुरा है, तो उसके आप क्या देखते हो? लक्षण देखते हो, उसकी आदतें देखते हो, सेम वही चीज़ है। रिलेटिव पोजिशन देखोगे आप, रिलेटिव पोजिशन मतलब कहाँ स्टैंड करता है ये, कहाँ पर रहता है, आता कहाँ पर, ठीक है, किसके साथ आता है। टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द प्लांट, यानी कि जो टाइम ऑफ अकरेंस है, यानी कि प्लांट किस समय जो है आपको नज़र आता है, यानी कि नज़र आने का मतलब ये नहीं कि आपकी आंखों के सामने कब आता है, मतलब कि पैदा कब होता है, ठीक है, उगता कब है, किस टाइम। ईच एंड एवरी प्लांट बिकम्स वीट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि हर एक, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो खरपतवार ना बनता हो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए, इंसान भी क्या है, कभी ना कभी किसी न किसी ने के लिए जो है वो वीड बन जाता है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो वीड हैं, जो खरपतवार हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी अगले व्यक्ति के लिए वीड बन जाते हैं, यानी कि बुरे बन जाते हैं। तो ये सब लाइफ है, एक दूसरे के लिए बुरा बनना और अच्छा बनना चलता रहता है, ऐसे प्लांट के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीट के बारे में देखते हैं, यानी कि वीट को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रेडोमिनेंस, यानी कि साइट ऑफ प्रेडोमिनेंस, किस जगह पर ये ज़्यादा निकलते हैं या किसके साथ इनका डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है, यानी निकलने का मतलब कि किस जगह ज़्यादा नज़र आते हैं, फील्ड में कहाँ ग्रो होते हैं, किस पैटर्न में, किसके साथ, वो चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्लिगेट वीट्स और फैकल्टेटिव वीट्स, दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडोमिनेंस, ठीक है, साइट ऑफ प्रेडोमिनेंस के बेसिस पर दो क्लासेस डिवाइड की गई, एक ऑब्लिगेट वीट्स और एक फैकल्टेटिव वीट्स। ऑब्लिगेट वीट्स क्या है, ये जब अगर आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आपकी ग्रो होती है, ठीक है, तो आप इन्हें बोलोगे ऑब्लिगेट वीट, क्या बोलोगे, ऑब्लिगेट वीट, ठीक। अगर आपकी जो खेती बाड़ी वाली जमीन है वहां पर अगर आपको कोई वीट दिखे तो वो वीट्स कौन सी होंगी, ऑब्लिगेट वीट्स होंगी। एग्जाम्पल में जैसे कि चिनोपोडियम एल्बम एनागैलिस, ये चिनोपोडियम एल्बम पूरा नाम नहीं है, चिनोपोडियम आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक ही बात है, आप पूरा लिखिए या ना लिखिए, ठीक, सरनेम लगाना जरूरी नहीं है। अब देखिए एनागैलिस, ठीक है, ये दो चीज़ें क्या हैं, ऑब्लिगेट वीट के एग्जाम्पल हैं। ये कभी आपको वाइल्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, खेती बाड़ी वाली जमीन पर, एग्रीकल्चर फील्ड पर। फैकल्टेटिव वीट्स क्या होती हैं, तो ये वाइल्ड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि ये भाई साहब दोनों जगह रह लेते हैं, कौन, फैकल्टेटिव वीट्स, इसीलिए इनका नाम भी है फैकल्टेटिव, फैकल्टी हैं, कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है, वाइल्ड में भी और एग्रीकल्चर लैंड दोनों जगह ये ग्रो हो जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना और यूफोर्बिया रेटा, तो ये जो दो वीड्स हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके फैकल्टेटिव। देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल है ये आपके जो है नामचीन है, यानी कि इनके अलावा और दूसरा कोई नहीं पूछा जाएगा, यही जो है नामचीन वीड हैं जो इन कैटेगरी में पूछे जाएंगे आपसे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं पूछा जाएगा, तो निश्चिंत रहें आप। चलिए अब मैं आपको इनके जो है दर्शन करा देता हूँ, चिनोपोडियम एल्बम और एनागैलिस के, ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए इनके दर्शन करने के लिए। ये रही फोटो आपके सामने, ये है चिनोपोडियम एल्बम, जिसे आप बथुआ भी बोलते हो, खाया होगा आप लोगों ने बथुआ, और इधर आपका एनागैलिस, देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर फूल लगे हैं इसमें, है ना, लेकिन यही फूल जो है मेन क्रॉप फील्ड को नाश कर देता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि चिनोपोडियम एल्बम कैसा दिखता है और एनागैलिस कैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, आर्जिमोन मैक्सिकाना और यूफोर्बिया हर्टा की, इनके भी दर्शन करा दें। चलिए ये है आपका आर्जिमोन मैक्सिकाना, अरे कहीं आपने तो देखा है लेकिन नाम नहीं पता था, चलिए आप देख लिया, ये है यूफोर्बिया हर्टा, इसको भी देख लीजिए, इसको भी आपने देखा होगा, ध्यान से देख लीजिए, यही सब लोग हैं न्यूसेंस जो क्रिएट करते हैं प्लांट के जीवन में, और कुछ अड़ोसी पड़ोसी तो आप जानते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं आपके जीवन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ होस्ट, यानी कि होस्ट पर डिपेंडेंस के बेसिस पे कितने लोगों को डिवाइड किया गया है, यानी कि किस क्लास में डिवाइड किया गया है वीट्स को, तो इस तरीके से, कैसे, टोटल रूट पैरासाइट और होलो रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं जैसे कि ओरोबेंची, टोटल स्टेम पैरासाइट यानी होलो स्टेम पैरासाइट इसके एग्जाम्पल हैं,
कस्क्यूटा। सेमी रूट पैरासाइट, इसका एग्जांपल है स्ट्राइगा। सेमी साइट सॉरी सेमी स्टेम पैरासाइट, एग्जांपल लोरांथस, जिसे आप बर्ड वाइन भी बोलते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्लासेस इनकी डिवाइड की गई ऑन द डिपेंडेंस ऑफ होस्ट। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन होस्ट यानी कि होस्ट के ऊपर अगर डिपेंडेंस हो किसी वीड का तो उनके कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे और किन क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, तो इस तरीके से। अगर टोटल रूट पैरासाइट है यानी कि पूरा रूट के ऊपर डिपेंडेंस है उसका, यानी कि ऐसा वीड जो टोटली रूट के ऊपर पैरासाइट है, टोटली रूट पर डिपेंडेंस है, तो उसका क्या होगा, टोटल रूट पैरासाइट के अंदर आएगा। जो थोड़ा सा स्टेम में हो, टोटली पूरा स्टेम पे हो, तो टोटल स्टेम पैरासाइट पे। जो सेमी रूट हो वो स्ट्राइगा है, जो सेमी स्टेम हो वो लोरांथस है। अब इनके दर्शन करा देता हूँ आपको, दर्शन कर लेंगे आप तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर। देखिए ओरोबेंची का देखिए, कस्क्यूटा देखिए, ये है आपका ओरोबेंची। देखिए पत्थरों के बीच से निकल आए ये, ठीक। ओरोबेंची क्या है, टोटल रूट पैरासाइट। क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है। ये देखिए ये क्या है आपका, ये है कस्क्यूटा। क्या है, कस्क्यूटा, ये रहा आपका कस्क्यूटा। ठीक है, सुंदर प्लांट है ना, तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट। क्या है, टोटल स्टेम पर। अब सेमी रूट और सेमी स्टेम देख लीजिए। चलिए सेमी रूट में कौन है, स्ट्राइगा, ये रहा आपका स्ट्राइगा। बढ़िया जो है पर्पल कलर के फूल है इसमें, ठीक देख रहे हैं आप, ये है क्या, स्ट्राइगा। लोरांथस देखिए, पीले पीले नारंगी निकले हुए हैं इसमें, ठीक, नारंगी नहीं है ये, जो है इसके अंदर ऐसे फल होते हैं, ठीक, इस तरह की पत्तियां होती हैं इनके, पहचान लीजिए। यही सब आपको दिखते हैं रोड में अगल बगल, खेत के अगल बगल, ठीक है। इन्हीं का जो है आपको फिर ट्रीटमेंट भी करना है आगे चलकर, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हैं तो, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया कौन कौन है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, अब आप समझ गए हैं। ओरोबेंची, कैस्क्यूटा, स्ट्राइगा, लोरांथस, ठीक है, ये है ओरोबेंची, कैस्क्यूटा, स्ट्राइगा, लोरांथस, क्लियर। आगे बढ़ें, अब ऑन द बेसिस ऑफ बोटैनिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि बोटैनिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि उनकी अब जो है शरीर की संरचना कैसी है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे क्लासेस। किसकी, तो वीड्स की। ग्रासेस, एक क्लास बनाई गई ग्रासेस, दूसरा क्लास बनाया गया सेजेस, तीसरा क्लास बनाया गया ब्रॉड लीफ। इसके बाद आपको इनके दर्शन करा दूंगा और फिर अपना सेशन एंड हो जाएगा। देखिए ग्रासेस क्या हैं, तो ग्रासेस में क्या होता है, ये कैसे दिखते हैं जो ग्रासेस वाले वीड हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, हॉलो स्टेम होती है, नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं इनके वीड्स में, लीफ इमर्ज करती है इनकी नोड से, फाइबरस रूट होगी, ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करेंगे, ठीक। इतनी चीज़ें आप समझ गए, मतलब ग्रास यानी कि घास वाली जो आपकी खरपतवार होंगे ये सिलेंड्रिकल होंगे, यानी कि सिलेंडर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब सीधे होंगे, अंदर हॉलो होगा सिस्टम उनका पूरा, यानी कि आप अगर दबाओगे उसको, उसकी सिस्टम को, तो वो दब जाएंगे आराम से, ऐसा लगेगा कि स्टेम में जो है अंदर से खाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा ग्रासेस में। हैविंग नोड्स, नोड्स होंगी यानी कि उसमें गांठें होंगी, इंटरनोड होगी, दो गांठ के बीच में एक स्पेस होगा, ठीक है, उसे आप इंटरनोड बोलते हो, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। लीफ कहाँ से निकलेगी, तो जहाँ पे जो गांठ पड़ी होगी, जो जहाँ पे नोड होगी वहाँ से लीफ निकलेगी। रूट कैसी होगी, तो फाइबरस होगी, यानी कि फैली फैली रूट्स होंगी उनकी, एक सिंगल रूट नहीं होगी, पूरा जाल टाइप का होगा रूट में, ठीक। ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप तो इकाइनोक्लो और फलैरिस है, ठीक। फलैरिस क्या होता है, ये जो फलैरिस है इसको आप गेहूं का मामा बोलते हो, देख लो आप, ये इकाइनोक्लोवा है, कौन है, इकाइनोक्लोवा, और ये है आपका फलैरिस, देख लीजिए यही दो हैं, ध्यान से इनको देख लीजिए। चलिए अब मोस्ट ऑफ द वीड्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, यानी कि ज़्यादातर जितने भी वीड्स होते हैं वो ग्रासेस के अंदर ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ें। सेजेस क्या है, तो ट्रायंगुलर स्टेम होगी इनकी, क्या होगी, ट्रायंगुलर टाइप में स्टेम होगी, त्रिकोण मित्री वाली जो है सिस्टम इसमें होगा, त्रिकोण स्टेम होगी, नोड कोई नहीं पाई जाएगी, वेरी लार्ज इंटरनोड होगा, लीफ एट द टॉप, लीफ कहाँ होगी, हमेशा पत्तियां सबसे ऊपर पाई जाएंगी, साइप्रेसी फैमिली को बिलोंग करेगा, ब्रांचेस में कोई सी भी नहीं होगी, यानी शाखा इसमें बहुत कम होंगी, ना के बराबर, तीन लीव्स पाई जाती हैं इनमें एट द टॉप, फिफ्थ इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक। अगर इसमें देखें इसके एग्जांपल क्या है, तो साइप्रस है, यानी जिसे आप मोथा बोलते हो। आप देखिए कहाँ पर है ये,
कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए। ब्रांचेस इसमें है, तीन लीव इसमें है क्या, नोड नहीं है, देख लीजिए है कोई ऐसा, पहचानिए पहचानिए है, ये रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रॉड लीफ अल्टरनेटली अरेंज्ड ऑन द स्टेम, देखिए ब्रॉड लीफ का एक कैटेगरी है, ये क्या है, अल्टरनेटली अरेंज्ड ऑन स्टेम, सिलेंड्रिकल स्टेम होगा, यूजुअली टैप रूट होगी, ऑल डाइकोट वीड लाइक कैमेलिना चिनोपोडियम एल्बम इसके अंदर ब्लॉक करेंगे, यानी कि पत्तियां क्या होंगी, थोड़ा सा ब्रॉड होंगी। ठीक है, कैसे होंगी, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होंगी स्टेम पर, यानी कि एक बिल्कुल पैरेलल ही नहीं होगा, मतलब एक तरफ अगर पत्ती निकली हो तो उसके बराबर से निकलेगी, कहने का मतलब इस तरीके से, मान लीजिए ये स्टेम है तो अगर इधर से पत्ती निकली है तो इधर पत्ती ऐसे नहीं निकलेगी, ऐसे है तो एक यहाँ निकली है तो एक इधर निकलेगी, एक यहाँ निकली है तो एक इधर निकलेगी, ऊपर नीचे यानी कि अल्टरनेटिवली अरेंज होंगी लीफ इनकी। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, कैमेलिना आते हैं, शिनोपोडियम एल्बम आते हैं। कैमेलिना को दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा कैमेलिना, ये कैमल की तरह बड़ा होता है, देखिए सब में अल्टर, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, कहीं पर आपको बराबर नहीं दिखेगी। ठीक, समझ गए, तो इस तरीके से जो है आपका ये ब्रॉड लीफ में आ जाता है। ये रहा बथुआ, एक आपका बथुआ है ब्रॉड लीफ के अंदर, देखिए यहाँ बताया था ना मैंने आपको, एक चिनोपोडियम एल्बम इसके अंदर आता है, ब्रॉड लीफ के अंदर आता है। अब देखिए ब्रॉड लीफ के अंदर देखिए दो मैंने आपको बताया था, एक अगर आप इधर आओगे कहाँ पर, ये इधर ऑब्लिगेट वीड, यानी कि जो खेत वाले, जो खेत वगैरह में उगता है वो चिनोपोडियम एल्बम है, और वही आ रहा है किसमें, ब्रॉड लीफ के अंदर भी आ रहा है, ये कॉमन है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपने यहाँ, मुझे आशा है कि आपने यहाँ कुछ वीड्स को पहचाना होगा, और लाइफ में आप अपने दोस्तों को भी कभी अगर घूमते फिरते खेतों के अगल बगल गए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, आप उन्हें बताएंगे तो आपको फ़ख्र महसूस होगा कि आपको कुछ पता है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई, एंड थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियोस, बाय बाय।